यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज सुबह पांवटा साहिब पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां पर इसके बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। आपको बता दें कि आज जगत प्रकाश नड्डा शिलाई दौरे पर भी रहेंगे। वो गिरिपार क्षेत्र में बालीकोठी पंचायत में लोगों को संबोधित करेंगे। बालीकोठी पंचायत को जेपी नड्डा ने गोद लिया हुआ है और उधर बीजेपी कार्यकर्ता और बालीकोठी के तमाम सदस्य जेपी नड्डा के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पांवटा साहिब से हमारे संवाददाता प्रेम वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम वर्मा, तो आज जगत प्रकाश नड्डा पहले पांवटा साहिब पहुंचे, इसके बाद शिलाई में उनके स्वागत की तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी शीनम, मैं बताना चाहूंगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा का आज शिलाई का दौरा है और इससे पहले वो पांवटा साहिब में रुके, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और यहाँ पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी ली। इस बैठक में हालांकि ये बैठक कुछ बड़ी बैठक नहीं थी, कुछ ही देर के लिए औपचारिक बैठक थी और लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की उन्होंने बातें सुनी और कुछ खास चर्चा यहाँ पर लोकसभा के चुनाव के लिए भी की गई। बिल्कुल प्रेम वर्मा, तो अब शिलाई के लिए वो जाएंगे, शिलाई में स्वागत उनका किया जाएगा, साथ ही शिलाई में जो उनकी गोद लिया हुआ गांव बालीकोठी है वहां पर लोगों को कितनी उम्मीद है उनसे? जी शिनम, अभी अभी यहां से स्वास्थ्य मंत्री निकल चुके हैं शिलाई के लिए, जहां बालीकोठी गांव उन्होंने गोद लिया है। अब वहां उनका एक भव्य कार्यक्रम होगा। पांवटा और शिलाई के लोगों में बहुत खुशी है इस दौरे को लेकर, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ लोगों के लिए कुछ सौगात देकर ही जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम वर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिलाई में भी उनके जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही है। इससे पहले वो पांवटा साहिब में गए और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक थी और इस बैठक के बाद अब शिलाई में जो उन्होंने गांव गोद लिया हुआ है बालीकोठी, वहां पर वो पहुंचने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम का वहां पर स्वागत, उनके स्वागत के लिए भव्य कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक हुई इसके बाद अब वहां के लोगों को, शिलाई के लोगों को भी काफी उम्मीद है कि कोई ना कोई सौगात देकर जरूर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे।